हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ मूवी सॉल्ट बर्न के बारे में, जिसे आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इसका रन टाइम लगभग 2 घंटे 10 मिनट के आसपास का है। इस मूवी में गोर बिल्कुल भी नहीं है, वायलेंस भी माइल्ड ही आपको यहाँ पर मिलेगा। जो भर भर कर है वो है एडल्ट सीन्स, और ऐसे वैसे नहीं। इनफैक्ट आई वुड से कि मैंने जो रिसेंटली देखी है मूवीज़, उनमें दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एरोटिक मूवी विद वियर्डस्ट सेक्शुअल एनकाउंटर्स अमंग द कैरेक्टर्स। सो डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन और टीनेजर्स, ओनली फॉर एडल्ट्स। एडल्ट्स में भी स्पेसिफिकली जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं, फेंट हार्टेड हैं, उनके लिए ये मूवी थोड़ी हैवी ही रहेगी। बाकी इंसान होने के नाते हम सबको पता है कि हमारे अंदर एक ऐसा काला अंधेरा छुपा बैठा रहता है, जिसे हम बड़ी एफर्ट लगाकर रोके रखते हैं अपने आप को पूरी तरीके से निगल जाने के लिए। और कभी कभी एक गलती इनफ होती है हमें इंसान से राक्षस बनाने के लिए। इस मूवी सॉल्ट बर्न में भी कुछ आप ऐसे ही कहानी देखने वाले हैं। इस मूवी को लिखने, डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने वाली है एमरल्ड फेनल, जिनको ऑस्कर्स, बाफ्ता, गोल्डन ग्लोब, प्राइम टाइम एमी जैसे अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तब आप इस मूवी की क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी अभी 2020 में इनकी मूवी आई थी प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, जहां पर इन्होंने इन्हीं थीम को, लव, लस्ट, अब्यूज, रिवेंज को पुश टू द लिमिट किया था। बाकी एक नॉच बढ़ा दिया है आगे बैरी कीगन ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से। पूरी मूवी के साथ मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आपने आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो व्हाट इज मूवी सॉल्ट बर्न। अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, ओलिवर अपनी स्कॉलरशिप पर ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ तो रहा है, लेकिन यहाँ के अमीर लोगों के बीच उसे एडजस्ट होने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। इसी दौरान यहाँ के एक रिच किड फीलिक्स से वो फिजिकली अट्रैक्ट हो जाता है, उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। फीलिक्स एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है, बट बींग गुड एट हार्ट वो इसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करता है। और अब यहाँ से ओलिवर टाइम टू टाइम फीलिक्स से अपनी ट्रेजिडीज जो है लाइफ की शेयर करने लगता है। आउट ऑफ पिटी फीलिक्स एक दिन उसे अपने एस्टेट सॉल्ट बर्न इन्वाइट करता है, अपनी फैमिली से मिलाता है। फ्रॉम द वेरी मोमेंट ओलिवर जब इसके फैमिली मेंबर से मिलता है, उसी समय से वो वियर्ड बिहेव करने लगता है। ऐसा लगता है हर एक मेंबर को वो इंटेंशनली कुछ भी करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरीके से इवेंट्स होते रहते हैं। एक दिन फीलिक्स को ओलिवर के बारे में एक ऐसी बात पता चलती है, चीज़ें बहुत ही वियर्ड ऑलरेडी चल रही होती हैं, अचानक ये मूवी डार्क एरोटिक फैंटेसी से बन जाती है, एक्सीडेंट्स और मर्डर वाली नाइट मैरिज हॉरर मूवी। इसके आगे अगर मैंने इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर की कहानी बताई तो उसका थ्रिल फैक्टर कम होने लगेगा। ये लस्ट और एनवे की ऐसी कहानी है दैट इज़ नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो मुझे इस मूवी में मिले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है फिनोमिनल एक्टिंग बाय बैरी कीगन। जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने ओलिवर के साइकोटिक कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, दैट इज़ रियली काबिले तारीफ। उन्होंने ऑलरेडी बैंशीज ऑफ इनिशरीन एंड किलिंग ऑफ अ सीक्रेट डियर में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लिया था। अगेन यहाँ पर अपनी बेहतरीन एक्टिंग से मुझे मेसमराइज किया है। अगर आपने गॉन गर्ल देखी है और आप उस कैरेक्टर को देखकर शॉक हो गए थे, देन स्ट्रैप योरसेल्फ एंड बी रेडी फॉर ओलिवर। बहुत ही बढ़िया और साइकोटिक कैरेक्टर बनाया गया है। सेकेंड पॉजिटिव, रोजमंड पाइक की एक्टिंग भी काबिल तारीफ ही है। वो एक इमोशनली चैलेंज्ड पेरेंट का रोल निभा रही हैं, जो गॉसिप करती रहती हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को बोलती हैं, और ऐसा लगता है उन्हें समझ सब कुछ आ रहा है, लेकिन इतने ज़्यादा सप्रेस्ड इमोशन उन्होंने कर रखे हैं कि वो हमेशा ही टेंस सिचुएशन में उस चीज़ पर बात नहीं करती हैं, इधर उधर की बातें करती रहती हैं, लोगों की बुराई करती रहती हैं। और उस कैरेक्टर को इन्होंने बेहतरीन तरीके से हम तक पहुँचाया है। रोजमंड पाइक की एक्टिंग कि मैं मुरीद हूँ। थर्ड पॉजिटिव, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। कैसे एक लव लस्ट में कन्वर्ट होती है, लस्ट एनवी में, एनवी एंगर में, इनका ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट द स्टोरी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और इंसान अगर अपने डार्क साइड को एक्सप्लोर करना चाहे, दिखाना चाहे, बाहर लाना चाहे, तो कितना ज़्यादा गिर सकता है और कितना ज़्यादा हद पार कर सकता है, इसे इस कहानी में बहुत ही बेहतरीन और हॉरिफाइंग तरीके से दिखाया गया है। कुछ चीज़ें स्टीरियोटाइप भी दिखाई गई हैं, स्टिल वो प्लीजिंग लगती हैं देखने में। फोर्थ पॉजिटिव, अगर आपको पूरी मूवी में ये लग रहा है कि एरोटिक सीन्स को वियर्ड से वियर्डेस्ट बनाकर इसमें थ्रिल फैक्टर ऐड किया जा रहा है, देन यू आर इन माय कैटेगरी। बट आई वुड रिकमेंड कि आप क्लाइमेक्स का वेट करें, बिकॉज वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जो भी एब्सर्ड चीज़ें पहले की है ना, वो बहुत सारी एक्सप्लेन हो जाती हैं। अब अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ सीन्स बहुत ही एब्सर्ड लगते हैं, उनके पीछे की इंटेंशन क्लियर नहीं होती है और वो इरिटेट करते हैं। इसके अलावा क्लाइमेक्स की वजह से वो लूप होल्स को इग्नोर किया जा सकता है। मेरे लिए ये मूवी 8.5 आउट ऑफ 10 है। डेफिनेटली कुछ सेंसिटिव पीपल को ही डिस्टर्ब करेगी,
सो अगर आपको इस तरीके की साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं पसंद है जो ट्विस्टेड थोड़ी होती हैं और साइकोलॉजिकली आपको परेशान कर सकती हैं, देन यू कैन स्किप दिस मूवी। बाकी जिन्हें ये जॉनर पसंद है उनको तो बहुत मज़ा आने वाली है इसमें। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।